आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड 0.8% गिरकर 15 जुलाई के निचले स्तर $99.26 पर पहुंच गया है। निवेशकों ने विनिर्माण में मंदी और ईंधन की घटती मांग के कारण सावधानी बरती, जिससे दाम में कमी देखी गई है। तेल निर्माता इस हफ्ते आपूर्ति को बढ़ाने या न बढ़ाने पर विचार करने वाले हैं। इस हफ्ते में अमेरिकी क्रूड बेंचमार्क भी $92.24 पर आ गया है, जो 14 जुलाई के बाद सबसे निचले स्तर पर है। मार्च में क्रूड तेल का भाव $113 पर था, जो अब $100 के आसपास कारोबार कर रहा है। विश्लेषकों ने कहा है कि फैक्ट्री गतिविधियों के आंकड़ों के बाद कच्चे तेलों की कीमतों में गिरावट देखी गई है। साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था भी धीमी है, और साथ ही बता दें आपको कि इसकी चिंता भी बढ़ गई है, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप और एशिया में सर्वेक्षणों से पता चला कि जुलाई में फैक्ट्री गतिविधियां कम रही हैं। वहीं तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और रूस के साथ अन्य देशों की बैठक होनी है। इसमें सितंबर में तेल के उत्पादन पर निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले पर सभी की नज़र है। ऐसी उम्मीद है कि सितंबर में उत्पादन स्थिर रह सकता है, हालांकि सऊदी अरब तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। विश्लेषकों ने कहा कि तेल की कीमतों की तेजी धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। आपूर्ति और मांग की स्थिति स्पष्ट होने के बाद इसमें और गिरावट आ सकती है। इस बीच अमेरिका ने चीन की और कुछ अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इन कंपनियों ने पूर्वी एशिया को ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों को बेचने में मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।